हाँ भाई नवजोत, वेलकम डियर, क्या हाल है? सो स्टार्टिंग अवर स्टेज 4, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एक्टिंग। चलो जी शुरू करते हैं। ये हमारी इस स्टेज की पहली सबमिशन है, तो सबसे पहला जो फेज होता है उसमें हमने आइडिया फाइनलाइज करना है। तो तूने कुछ आई थिंक 5 आइडियाज़ शूट करके कम्युनिकेट करने के लिए मेरे को भेजे हैं, तो एक बार देखते हैं। मैं वैसे देख चुका हूँ, तो अब हम इकट्ठे देखते हैं और साथ में कुछ कमेंट शेयर करते हैं, ठीक है? मुझे पता है यू आर वेरी हैप्पी कि एक्टिंग स्टार्ट हो गई है। ऑल राइट, चलो जी प्ले। ऑल राइट, ये जो पहला वाला है इसमें इट इज़ समथिंग कि वो उठाया और उसने अंगड़ाई ली और उसके शायद सिर पे कुछ लगा, ठीक है? नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड। एक तो सब कुछ सिमेट्रिकल हो रहा है, हाथ भी सिमेट्रिकल, सब कुछ सिमेट्रिकल हुआ है, जो कि बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। और इमोशंस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे, ठीक है, सुस्त है, उसके बाद सिर पे लगा है। इमोशनल लेवल पे जर्क नहीं लग रहे, फिजिकल लेवल पे जर्क लग रहा है। ये वीडियो गेम वाला है, इसमें स्कोप है। हमारा ये जो इंट्रोडक्शन टू एक्टिंग में जिसमें हमने साइलेंट एक्टिंग करनी है, इसमें डेफिनेटली हम चेंज ऑफ लॉट ऑफ चेंज ऑफ इमोशंस दिखाना चाहते हैं, और इसमें बॉडी इन्वॉल्व हो तो अच्छा है। खूब सारी बॉडी भी इन्वॉल्व हो जाए इस एक्सरसाइज में, मैकेनिक्स की जो हमने लर्निंग की है वो भी यूज़ हो और साथ में चेंज ऑफ इमोशंस सीखने का मौका मिले। तो भैया इसमें, इस वाले में स्कोप तो है। गेम खेलते खेलते वो धीरे धीरे हाइपर हो रहा है, हाइपर हो रहा है, हाइपर हो रहा है, ज़्यादा हो गया। हाइपर होते होते इतना हो गया कि भैया वो कूद ही गया। और यहाँ आके कुछ ड्रामेटिक हो, कूदा उसके बाद, ठीक है चल, कूद के नीचे गिर पड़ा, ड्रामेटिक है एक तरह से। ऑल राइट, तो वो वाला मेरे को पसंद आया। एक दूसरा जिसमें वो हंस रहा है चैट करते करते और अचानक कुछ दिखाई दिया, इसमें डेफिनेटली चेंज ऑफ इमोशंस काफ़ी दिख रहे हैं और कंट्रास्ट भी मिल रहा है हमें और बॉडी भी इन्वॉल्व है, तो ये भी सिलेक्टेड है। इसमें शायद ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि पहले तो हमें हंसने का जेस्टिकुलेशन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि स्माइल नहीं है, मुंह नहीं है, बहुत मुश्किल होगा इसमें कि तूने दिखाना है कि वो हंस रहा है बॉडी से। अभी यहाँ तेरे को एनिमेशन की लैंग्वेज भी सीखने का मौका मिलेगा, बिना मुंह दिखाए, दांत दिखाए हंस रहा है। और हंसते हुए उसने भैया थोड़ा टाइम स्पेंड किया, कुछ वेरिएशंस दिखानी पड़ेंगी इंटरेस्टिंग लगे, थोड़ा हंसा, फिर ज़्यादा हंसा, फिर कुछ कुछ किया, तो देखने वाले को लगे कि यार हंसने में बिल्कुल ही खोया हुआ है। तो अचानक ये डबल टेक हो, एक देखा, दूसरा देखा और गिर पड़ा, तो इसमें स्कोप है, बॉडी भी इन्वॉल्व है। ऑल राइट, ये मच्छर वाला है, ठीक है, स्टार्ट अच्छा हुआ, एंड में तूने एक आइडिया सोचा, ठीक है, नॉट दैट सुटेबल, ठीक ठीक है। अच्छा ये जो है एकदम रॉयल तरीके से बंदा उठा, और जब उठा तो भैया उठाया नहीं गया उसको, पहले तो बहुत चैलेंज कर रहा था। ये जो शॉट है मैकेनिक शॉट बड़ा अच्छा हो सकता है, तो इमोशंस में बहुत ज़्यादा वैरायटी और जर्क्स नहीं मिल रहे, ठीक है, नॉट बैड, लेकिन ये ज़्यादा मैकेनिक्स इंटेंसिव हो जाएगा, समझ गया? ये भी मुझे अच्छा लगा कि कार्ड्स फेंक के बड़े खुशी से खुश था, लेकिन अगले वाले का कार्ड देखा तो होश उड़ गए। लेकिन यहाँ हमें पंगा ही होगा कि हमें अगले वाला करेक्टर बनाना पड़ेगा, अगले की भी एक्टिंग चाहिए, वो भी कार्ड रखेगा, ठीक है, वो पंगा है बस। ये वाला वो साफ कर रहा है, उसके बाद अचानक किसी को देख के वो गिटार बजाने लगता है, ये मुझे बहुत क्लियर नहीं समझ में आ रहा।
तू समझाएगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बिना समझाए समझ में आना चाहिए। तो उसका मतलब है पंगा है, शॉर्ट में सफाई कर रहा है। उसके बाद क्या हाइड कर रहा है अपने आप को, एक्टिंग कर रहा है। फिर अचानक क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। ये ठीक है, गुस्से में आ गया और उसने तोड़ दिया, और फिर फेंकने के बाद रिपेंट कर रहा है कि मैंने क्या कर दिया। ठीक है, फेंकने के बाद या तो उछल कूद करे, कुछ बॉडी इन्वॉल्व हो, थोड़ी बॉडी भी इन्वॉल्व चाहिए। फेंका उसके बाद फिर खड़े होकर देखे, फिर सिर पे हाथ मारे, उस तरह का कुछ। पहले तो पटक के मारा ठा, फिर ये क्या हो गया, उस टाइप का वेरिएशन हो सकती है। और बॉडी भी थोड़ी और इन्वॉल्व कर दी जाए इसमें, तो पहले गुस्सा दिखाया, गुस्सा दिखा के पटका, फिर देखा टूट गया। तो थोड़ा और इसको क्लियर कट रिप्रेजेंटेशन की जाए तो सिचुएशन में वेरिएशन तो है, थोड़ा और ड्रामेटाइज किया जाए जब वो कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, गुस्सा कर रहा है, गुस्से में जेस्टिकुलेशन, फिर मारा, फिर अचानक से रोया, गिर गया है। इसमें भी दम, हालांकि हमने जो भी शूट किया है उसमें उतना मतलब अभी और इम्प्रूवमेंट हो सकती है डेफिनेटली, ये भी हमें आइडिया ही शेयर करना था, लेकिन इस आइडिया में भी है पोटेंशियल। ये कुछ जादूगर टाइप लग रहा है, उसने उसमें से निकाला और फेंक रहा है, फेंकते फेंकते उससे कुछ ऐसी चीज़ फेंक गई जो उसको नहीं फेंकनी थी, असली चीज़ फेंक गई या बम फेंक गया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ठीक ठीक है। ये लास्ट वाला आइडिया मुझे क्या था एग्जैक्टली नहीं पता चला, मे बी उसने क्या दरवाज़ा खोला या कुछ वो देख रहा है, उसके ऊपर पड़ा कुछ डिशू, हाँ राइट। मुझे इसमें इतना एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है, लेकिन इतना ज़रूर पता चल रहा है कि बहुत इमोशंस के चेंजेस का स्कोप नहीं दिखाई दे रहा मुझे यहाँ, समथिंग फिजिकल थिंग्स हैपनिंग हियर। तो डियर, मुझे कुल मिला के एक तो ये वाला पोटेंशियल लगा है, इसमें है दम, इसमें है दम, करते हुए बंदा शौक लगा, ठीक है, बस वो ये थोड़ा और ड्रामेटाइज करना है, वो सब चीज़ें करनी है। अगले फेज के लिए मैंने बहुत सारे स्टेप्स बताए हुए हैं, उसको फॉलो करते हुए अगले फेज पे आना है। दो हो गए, और कौन सा पसंद किया था हमने, हाँ ये गुस्से वाला, तीन। ये तीनों में पोटेंशियल है, थोड़ी एग्जीक्यूशन में और ड्रामेटाइज करना है। तो मैं पिन पॉइंट ना करूँ तो ठीक रहेगा यार, इन तीनों में से जो तुझे अच्छा लग रहा है कुछ अपनी पसंद कर। मुझे ये तीनों में मैंने कमेंट दे दिए हैं कि किस तरह के स्कोप दिख रहे हैं मुझे। फिर भी अगर मैंने रेट करना हो, इसमें ये है कि सिंगल इमोशन चल रहा है, हैरान 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 हैरान, हैरानी की हैरानी की एक्सट्रीम में बहुत ड्रामेटिक हैरानी। हाँ, इसमें हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है, हंसने में भी थोड़ी इंटेंसिटी करेंगे, पहले थोड़ा हंसा, ज़्यादा हंसा, फिर कुछ और मज़ेदार तरीके से हंसा, फिर मतलब पीछे बड़ी ख़तरनाक चीज़ आई हुई है और वो बड़े मज़ेदार तरीके से हंस रहा है, तो ऑडियंस पहले ही देख के लगे कि यार ये मरेगा, तो अचानक उसको दिखता है उसके होश उड़ जाते हैं। ये उससे ऊपर है क्योंकि चेंज ऑफ इमोशंस है। और इसमें भी चेंज ऑफ इमोशंस हैं,
बस थोड़ा क्लियर कट वेरिएशन दिखानी चाहिए, पहले फेंक के उठा के ड्रामेटिक तरीके से फेंक के फिर अचानक से टूट गया। इन दैट केस तुझे नीचे जो गिरे तो टूटा भी दिखाना पड़ेगा, जब फेंका तो ब्रेकेज दिखाएगा तो मजा आएगा। ऑलराइट, सेफेस्ट इज ये वाला, सेफ है। चैट करते हंसते जा रहा है, हंसते जा रहा है और वो डर गया। पूरी बॉडी इन्वॉल्व करना है इस एक्टिंग में, हंसते हुए भी और गिरते हुए भी। ठीक है, कर दें शॉर्टलिस्ट फिर, ये वाले पे पिन पॉइंट कर लेते हैं जहाँ पे उसको ये वाला वेरिएशन मिली है। ठीक है, चैट वाला, ऑल द बेस्ट।